हम लोगों की आंदोलन मधेश केंद्रित था और आज मधेश के मधेसी, पहाड़ के जनजातियां, हिमाल के जनजातियां और जो शोषित पीड़ित जनता रहा है, अधिकार विहीन दबे कुचले जनता रहा है, उन सबों का मोर्चाबंदी हुआ है, संघीय गठबंधन बना है और उस गठबंधन के आयोजन में जो है 14 मई 14 को काठमांडू में प्रदर्शन और 15 के बाद नेपाल का शक्ति केंद्र सिंह दरबार की घेराव करने की आंदोलन आगे बढ़ रही है। इसलिए अगर तब भी सरकार नहीं सुने और राष्ट्र महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों को अगर नहीं संबोधन करती है, जनता की आवाज़ नहीं सुनती है, तो जनता विद्रोह करेगी। यह सरकार जनता के हित में कोई काम नहीं कर सकी है। नेपाल के इतिहास में पहली बार आर्थिक वृद्धि दर नकारात्मक हुआ है, जीरो और उससे घटता जा रहा है। माफिया लोगों ने और ये सरकार मिलकर के नाकाबंदी कर दिया है और आज उसकी मार जो है आम गरीब जनता पे पड़ रही है। इसलिए यह सरकार माफियाओं का, तस्करों का सरकार है, जनता की सरकार थोड़ी है।